This is the icon Siam. कुछ लेने की इसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगा है ये। बाकी घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ें, तो अच्छा टाइम पास है। अगर आप बैंकॉक में आपके पास टाइम है तो यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं। आपको यहाँ पे सारा ईट जितने भी ब्रांड्स हैं वो मिलेंगे। मीशो से कुछ शॉपिंग जो आइटम ज़रूरी थे लेके जाना वो वहाँ से परचेज़ कर लिए। अब आगे देखते हैं कोई ऐसी चीज़ रह गई। बाकी कुछ शर्ट्स रहती हैं जो मुझे अगर यहाँ से मिल जाती हैं यूनिको से तो वो भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। बैंकॉक में अगर आपको भिंडी मिल जाए तो क्या ही बात है। आई लव भिंडी, वेरी डिलीशियस। मूवी देखनी है और मूवी है टॉप गन। आइकॉन सियाम में बहुत ही खूबसूरत मंजर है और ये इसका टॉप फ्लोर है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन समरी ऑफ द डे जी, बैंकॉक में हमारा दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और दूसरे दिन मैंने सुबह खुद अपना नाश्ता बनाया और उसके बाद मैं निकला चाओ कराया रिवर की तरफ और वहाँ पे जो है बोट के थ्रू डिफरेंट स्पॉट्स को पियर्स को और घूमा। उसके बाद हम वापस आ गए आइकॉन सियाम जो एक बहुत अच्छी जगह भी है। यहाँ पे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है तो सारा दिन वहाँ गुजरा और आखिर में मूवी देखी टॉप गन, बहुत मज़ा आया। और इसी तरह हमारा जो मेरा दिन है डे टू बैंकॉक में वो पूरा हुआ और काफ़ी मज़ेदार सिटी है बैंकॉक और इकोनॉमिकल भी है। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, बजट को प्लान करते हैं तो चीज़ें बहुत कंट्रोल में होती हैं, ये आपकी लिमिट से बाहर नहीं जाती। तो बस इतना ही है कि अगर आपको बैंकॉक घूमना है तो प्लान करें अपने ट्रिप को और घूमें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बैंकॉक घूमें, मैं कहूँगा थाईलैंड को घूमें। थाईलैंड इज़ ए ग्रेट कंट्री, ठीक है, टूरिज़्म के लिए यहाँ पे हर तरह से इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। आप आएँ, घूमें फिरें, इंजॉय करें। बैंकॉक का पूरा व्यू देखना है तो आप आ जाएँ आइकॉन सियाम और ये देखें जी मैं जा रहा हूँ। इट्स अ मेसमराइजिंग, इट्स अमेजिंग। और इसके साथ ये तकरीबन सनसेट का टाइम होने लगा है और मैं आई एम अबाउट टू लीव फॉर होम फॉर माई रूम। तो बस इतना यही कहना था कि अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो प्लान करें ट्रिप्स अपने और इन्जॉय करें। तो आज बहुत मज़ा आया यहाँ पे आइकॉन सियाम में, तकरीबन सारा दिन यहाँ ही गुजरा मॉल में और शायद मैं दोबारा भी आऊँगा तो एक दो दिन के बाद फिर दोबारा आऊँगा क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है।